दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ओवरलेज का यूज़ किस तरह करता है? ऐसी कौन सी ट्रिक्स और टेक्निक है जिसकी वजह से वो अपना कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है? अगर नहीं जानते, अगर नहीं पता, तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा वो ट्रिक्स जिससे आप अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार मेरे चैनल से फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा ओवरलेज की वो टेक्निक जिससे आप अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हो। अब ये होता है कि हमें ओवरलेज तो बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कौन सी ओवरले को कहाँ पर और कैसे यूज़ किया जाए और किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। आपको बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन वीडियोज मिल जाती हैं, बहुत सारी ओवरलेज मिल जाती हैं, लेकिन आप एक अनप्रोफेशनल तरीके से उसको लगा देते हो और पता नहीं होता कि यार ये प्रोफेशनल है भी या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी एडिटिंग पर। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है पावर डायरेक्टर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी यही यूज़ किया करें, बहुत हाई पावरफुल और बहुत हाई क्लास ये सॉफ्टवेयर है और ये आपकी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है और अच्छे रिजल्ट में, अच्छे रेजोल्यूशन में उसको अपग्रेड पोस्ट भी करता है। ठीक है, तो लेट्स गो, चलते हैं हम वीडियो एडिटिंग पर। तो यहाँ से मैं आ गया हूँ पावर डायरेक्टर पर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी अपनी वीडियो एडिट करनी है जिसके ऊपर आप ओवरले लगाओगे या जो भी आप चाहिए, क्या नाम है, बैकग्राउंड वगैरह जो भी आप ऐड करते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं ओवरले ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ग्लिच टाइप की ओवरले यहाँ पर ऐड की है, तो फ्री स्टाइल टाइप की। तो अब ये कैसे करना है, इसके ऊपर क्रोमा की तो लग नहीं सकती, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्लेंडिंग। ठीक है, यहाँ से मैं ब्लेंडिंग पर गया और यहाँ पर आपने स्क्रीन वाली ब्लेंडिंग लगानी है, यही वाली ब्लेंडिंग लगानी है, आपने कोई और नहीं लगानी। ठीक है, तो ये ब्लेंडिंग लगाने के बाद अब क्या करना है, आपने क्या नाम है यहाँ से एक क्या नाम है एक कलर बोर्ड लेना है आपने यहाँ पर और यहाँ पर ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये रेड वाला ऐड करा है। ठीक है, और इसकी क्या नाम है ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कर लेना जितनी आपको रखनी हो। तो यहाँ पर मैं वैसे आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको सही लगे कि यहाँ तक अभी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेड वाला बोर्ड ऐड किया, तो यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूँगा, लेकिन टेक्स्ट में यहाँ पर ब्लैक में ऐड करूँगा क्योंकि रेड के ऊपर ब्लैक सूटेबल होता है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से कलर पर कौन से कलर का टेक्स्ट अच्छा लगता है और कौन सा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग लिख दिया है। ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरह से बड़ा कर दूंगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद इसको भी स्प्लिट कर लूँगा, टेक्स्ट को भी, ताकि ये जो मैंने पहला स्प्लिट किया उस तक ही रहे। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर एंड पर ले जाना है। अब ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखना, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा पिन। ठीक है, तो यहाँ पर पिन कैसे लगानी है ये मैं आपको बता देता हूँ, और आपने भी इसी तरह से लगानी है, प्रोफेशनल्स हमेशा इसी तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले पिन मैंने यहाँ स्टार्टअप में लगाई है, दूसरी यहाँ मिड में लगाकर इसको यहाँ पर ऐसे सेंटर में ले आऊँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और पिन लगा दूंगा, तीसरी पिन। ठीक है, और तीसरी पिन से क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से एंड पे चला जाएगा। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने दूसरा वाला स्प्लिट करना है जो आपका कलर बोर्ड है। पहले टेक्स्ट को ऐसे बड़ा कर लोगे। ठीक है, जो दूसरे वाला कह रहे हैं आपका कलर बोर्ड है उसको स्प्लिट करोगे और यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर दोगे। आप कलर को और भी रख सकते हो जो आपको सही लगे। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर ग्रीन किया है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कर दूंगा। अभी ग्रीन पे ब्लैक टेक्स्ट ही अच्छा लग रहा है तो ब्लैक ही रहने दूंगा। चेंज भी मैं करूँगा वो आप आगे देख लेना। उस तरह फिर सेम प्रोसेस है जो पहले वाले टेक्स्ट पे किया है, इसको भी हम उसी तरह से पिन लगा कर और यहाँ पर इस तरह से कुछ स्लाइड कर देंगे, तो हमारा दूसरा कलर बोर्ड एनिमेशन जो है कह रहा मैं ओवरले का वो बन गया। उसके बाद तीसरा ग्लिच कह रहा मैं तीसरा स्प्लिट करूंगा मैं। ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। अब इसका कलर मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ देख लो ज़रा गौर से। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर ये वाला कलर रख रहा हूँ, आप कोई और भी रख लेना, पर्पल वगैरह या पिंक ब्लू जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला ऐड कर दिया, और ये वाला ऐड करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, नीचे वाला जो टेक्स्ट है अब उसको उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, जो पहले वाला हमने था, अब देखो अब पिन लगाकर हर किस्म की डायरेक्शन में अपना अपना टेक्स्ट लगा सकते हो। पहले वाला हमने यहाँ से साइड से लगाया था। ठीक है, लेकिन अभी मैं साइड से नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको अभी क्या नाम है डाउन टू अप कर रहा हूँ, तो आप भी यही करना। और भी क्या नाम है आप क्या नाम है डायगोनल में भी इसको रख सकते हो, और जूम इन जूम आउट पर भी आप पिन लगा सकते हो जब आपको सही लगे।
तो मैं यहाँ पर अभी ये वाला लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए, मैं सिर्फ आपको ट्रिक का समझाता हूँ, बाकी ट्रिक को यूज़ करना आपकी क्रिएटिविटी है, आपके दिमाग के ऊपर है कि आपको किस तरह से यूज़ करना और किस तरह से नहीं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको पिन को लगा दिया है, तो अभी मैं इसको यहाँ पर एंड कर दूँगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो है उसका कलर चेंज करके उसके ऊपर भी हम पिन लगा देंगे। अब यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट जो है वाइट रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर मुझे वाइट सही लग रहा है। तो मैं इसका प्रीव्यू चला कर भी दिखा देता हूँ, तो आप देख देख सकते हैं कि अलग अलग कलर का हमारा जो ओवरले एनिमेशन, टेक्स एनिमेशन था वो बन गया है, और ये बहुत प्रोफेशनल है, और ये आप अपनी वॉइस के साथ लगा देते हो, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा जो होता है हमारा रेन और स्नोफॉल वगैरह जो होता है उसका होता है, तो यहाँ पर देखो क्रोमा की तो लगाना नहीं है क्योंकि उससे मज़े का नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन लगा रहा हूँ। क्रोमा की आप लगा के देख लेना, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी, रियलिटी नहीं आएगी जो आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग ही लगाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग देख लो इसकी, आपने ये जो ब्राइटनेस है इसको ऊपर नीचे करके आप देख लो कि कहाँ पर सही लग रहा है। जहाँ पर आपको लगे कि अब थोड़ा सा ये रियल लग रहा है तो वहाँ पर आप इसको छोड़ दोगे। तो यहाँ पर मैंने -55 पर इसको रख दिया है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रियल लग रहा है, आप इसको देख सकते हो कि रियल स्नोफॉल यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तीसरी ट्रिक जो है हमारी वो है यहाँ पर कलर ग्रेडिंग की, ठीक है। कलर ग्रेडिंग किस तरह करनी है, किस तरह चेंज करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लेंडिंग लगाएंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग लगाने के बाद इसकी जो स्पीड है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो उससे ये है कि फिर हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। स्पीड इसकी फुल कर रहा हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल छोटा हो गया है, ठीक है। तो आप इसको स्प्लिट करके भी छोटा कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसकी ओपेसिटी जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसकी ओपेसिटी ज़्यादा ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, कलर आपको प्रॉपर शो हो इसलिए। उसके बाद यहाँ से मैं इसके बहुत सारे डुप्लीकेट ले लूँगा अलग अलग कलर शो करने के लिए, ठीक है। तो 4-5 डुप्लीकेट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, आप ज़्यादा भी बना लेना अपने टेक्स्ट और वॉइस के हिसाब से जो आप मैंने बता रहे हो। उसके बाद इसकी चेंजिंग किस तरह करनी है कलर की, यहाँ से एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, शार्पनेस जो है इसकी फुल रखनी है आपने, ठीक है। हर कलर ग्रेडिंग की आपने शार्पनेस फुल रखनी है, और यहाँ पर ह्यू में जाके आप इसको ऊपर नीचे करके इसकी कलर चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। आप और भी तरीके से कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है, अगर आप कर सकते हो तो फिल्टर भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पर कर रहा हूँ, तो हर एक पर अलग अलग तरीके से मैं सेम प्रोसेस है, शार्पनेस बढ़ाकर और जो इसकी ह्यू में जो कलर ग्रेडिंग है वो चेंज कर दूंगा। तो इससे अलग अलग कलर का ये क्या नाम है, एक ओवरले बन जाता है और 3D लगता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके ऊपर आप फिर आप टेक्स्ट भी लगा देते हो, आप अपना एनिमेशन लगा देते हो, आप अपना एनिमेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं, कार्टून्स वगैरह ये वो, तो जो भी ये सिंबल्स वगैरह आपको लगाने हैं वो यहाँ पर आप लगा देते हो, तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर्स के ऊपर शो होता है, तो बहुत प्रोफेशनल लगता है और अच्छा लगता है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना भाइयों, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहे। मैं अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।